हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी एग करी। कुछ अलग तरीके से बनाएंगे एग करी। रोज़ एक ही तरीके से खाकर मेरे घर वाले तो हो गए हैं बोर। और अब मैं एग करी में कुछ इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स डालूंगी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले तो हमें एग्स चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पे एग ले लिए हैं और इन्हें मैं बॉईल कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 8 अंडे लिए हैं और आधी कटोरी मैंने दही ली है। आप घर की ताज़ी दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया लिया है, अब इसका ट्विस्ट आपको आगे पता चलेगा। पुदीना लिया है मैंने और हरी मिर्चें ली हैं, जितना स्पाइसी आप खाना चाहें। प्याज लिए हैं दो मीडियम साइज़ के। टमाटर लिए हैं, लहसुन लिया है और अदरक लिया है, और इसके साथ सूखा धनिया और नमक स्वाद अनुसार। चलिए आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हम दोनों प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। और मैंने यहाँ पे बारीक बारीक दोनों प्याज को लगभग काट लिया है। और प्याज के साथ आंसू तो बनते ही हैं, प्याज काटते वक्त आंसू ज़रूर निकलते हैं मेरे। और ये मैंने बारीक बारीक प्याज भी काट लिए हैं, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लहसुन भी छील लिया है और हरी मिर्चें भी धोकर रख ली हैं, और टमाटर भी लहसुन अदरक छील के रख लिया है, और जो धनिया है उसे पानी से धो के मोटा मोटा काट लिया है बोर्ड पर, और पुदीना भी धोकर रख लिया है, और अंडे भी मैंने जो एग्स हैं उन्हें भी मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। और अब मैं एग्स को छील लूँगी अपने हाथों की मदद से। इसकी आउटर लेयर को पील ऑफ कर लेंगे और इसी तरीके से मैं सारे अंडों को छीलती चली जाऊँगी, और एक प्लेट में साइड में हम इसे रख लेंगे। और अब मैं मिक्सी के जार में टमाटर को मोटा मोटा काट के डाल दूंगी, जो कि मैंने धो के रख रखे थे। और दूसरे टमाटर को भी मैं इसी तरीके से मोटा मोटा काट के जार में मिक्सी के डाल दूंगी। इसी के साथ मैं अदरक को भी मोटा सा काट कर रख डाल दूंगी इसमें, और लहसुन भी मैंने डाल दिया इसी के साथ, और हरी मिर्च भी मैंने तोड़कर हाथों की मदद से डाल दी हैं सारी। जितना आप स्पाइसी खाना चाहें आप उतनी हरी मिर्च डाल लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची इस्तेमाल नहीं करी है, हरी मिर्चें ही करी हैं, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें ही ले ली हैं। पुदीना डाल दिया है मैंने, और इसी के साथ मैं जो मोटा मोटा कटा हुआ हरा धनिया है उसे भी डाल दूंगी जार के अंदर। आधा मैंने डाल दिया है और बाकी बचा हुआ भी मैं सारा मिक्सी के जार में डाल दूंगी, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसना है हमें इसे जार के अंदर। अब मैंने बारीक पीस रही हूँ इसे, और मैंने बारीक पीस लिया है, और इसके साथ मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दूंगी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी ऑयल को भी। और अब कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी। अगर आप कम तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा करते हैं ऑयल इस्तेमाल तो आप 2 और भी डाल सकते हैं। इसी के साथ तेल गर्म हो गया, मैंने जीरा डाल दिया है, और बारीक कटे हुए प्याज भी मैंने डाल दिए हैं जीरे के बाद। और इसे अब मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूँगी प्याज को तेल के अंदर। और ये मैं भून रही हूँ इसे, प्याज को पोनी की मदद से मैं इसे घुमाकर इसे भूनती रहूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और अब ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं और हो चुके हैं। इसी के साथ मैं पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने बना के रख रखी थी, और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। और अच्छे से पकाने के बाद मैं इसमें
दही डाल दूंगी मीडियम फ्लेम पे और उसे भी अच्छे से मिक्स करती रहूंगी। और ये देखिए उबाला आना शुरू हो गया है और अब मैं इसमें दही डाल दूंगी मीडियम फ्लेम पे और जल्दी जल्दी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा पानी जो है अच्छे से सूख जाए। इसे तब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे। और इसी के साथ सूखा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसे मैं भून लूंगी अच्छे से मसाले को और भूनती रहूंगी कि यह जब तक अपना तेल नहीं छोड़ देगा तब तक हम इसमें अंडे नहीं डाल सकते हैं। और मैं मसाले को अच्छे से भून रही हूँ और साथ साथ पसीना भी निकल रहा है क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है किचन में कुकिंग के टाइम पे। और ये भूनता जा रहा है मसाला हमारा और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अगर आप मसाला किसी भी सब्जी का अच्छे से नहीं भूनते हैं तो उसमें बिल्कुल भी फ्लेवर्स नहीं आते। मसाला बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। और ये मसाला भून चुका है मेरा अच्छे से। और मसाला भून गया है और इसमें अब मैं डाल दूंगी 1.5 गिलास के करीब पानी कि ज़्यादा पतली भी ना हो तरी। अगर आप गाढ़ी खाना चाहते हैं तो आप 1 गिलास भी डाल सकते हैं और अगर थोड़ी पतली चाहते हैं आप तो आप 2 गिलास पानी भी इसमें डाल सकते हैं। और तरी के पकने के बाद मैं इसमें एग्स डालूंगी। ये देखिए उबाले आने शुरू हो गए हैं तरी में और तरी पक गई है। अब मैं इसमें उबले हुए अंडे डाल दूंगी और सारा मसाला अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए तो मैं इसे ढक करके अच्छे से और पका लूंगी कि सारे मसालों का फ्लेवर जो है सब एब्जॉर्ब कर ले एग्स भी। और ये देखिए अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी पकाने के लिए 5-6 मिनट के लिए रख दूंगी। और ये देखिए हमारी एग करी हैदराबादी एग करी बनके तैयार है और इस पे ताज़ा हरा धनिया बारीक बारीक काट के डालें तो आहा कितना मज़ा आता है। मुझे तो हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरी एग करी बनके बिल्कुल तैयार है। रोटी के साथ खाइए इतनी स्वादिष्ट लगती है। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।